तो मैं आज श्रीनगर के 1000 रुपए वाले बोट हाउस को छोड़कर जा रही हूँ एक ऐसे गांव जिसे चरवाहों का गांव भी कहा जाता है। हेलो गाइस, हाउ आर खाना खा के जा। मैंने बोट हाउस को बाय बाय कर दिया है, दैट इज माय बोट हाउस। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। बहुत कंफ्यूजन है, कोई कहता है डायरेक्टली जाती है बस, कोई कहता है डायरेक्टली सुमो जाती है, कोई कहता है नहीं जाती है, बीच में आपको रुकना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा उनसे कि आप प्लीज पहुंचा दो, और कोई कहता है जाती ही नहीं, आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे। तो इन सारे कंफ्यूजन का सोल्यूशन एक है कि मैं जाके एक्चुअली में बस स्टैंड पे पता करूँ कैसे जाया जा सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम जहाँ पे हैं डल लेक के पास वहीं पे पता करें, पर वो बहुत अनसर्टेन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम TRC बस स्टैंड जाए जहाँ से एक्चुअली बस चलती है। हम कैसे जा पाएंगे इस बात का पता किसी ऑटो वाले से पूछ लेते हैं। ओके थैंक यू भाई। पहले आप जाओगे अनंतनाग यहाँ से? हाँ, तो इस्लामाबाद अनंतनाग। बड़ी वाली गाड़ी? हाँ। वो तो आपको मिलेगी फिर बाईपास। बाईपास कहाँ है? यहाँ से अगर छोटी गाड़ी मिल जाए वो 120 है के पर हेड लेगा, 120। वो लाल चौक में मिलेगी, दो नंबर स्टैंड में। थोड़ी दूर चलते ही एक बात मेरी समझ में आ जाती है कि मुझे श्रीनगर से बस में नहीं बल्कि शेयर टैक्सी में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पहुँच गई हूँ टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 2। और ये लाल चौक के पास ही है, लेकिन मैं सुमो में पीछे नहीं बैठ सकती, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ अगली गाड़ी का जिसमें मैं आगे बैठ जाऊँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मिसेज, क्या कहना है आपको मेरे बैग के बारे में? हेलो, प्लीज बी विद अस। नेवर माइंड, मैं यहाँ पे आई हूँ ऐसे ही एक सवारी में पीछे बैठ के। जहाँ पे मैं हूँ अभी, ये प्लेस अनंतनाग का ही एक पार्ट है। बहुत सारे ऑफ बीट प्लेसेस हैं अनंतनाग में जहाँ पे आप जाके ट्रैक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। केला यहाँ पर 120 रुपए डजन मिल रहा है, क्योंकि केला आंध्र प्रदेश से आता है। तो हमने पूछा कि आप अपने शॉप पे एप्पल क्यों नहीं लगाते यार, एप्पल हमें थोड़े मिलता है खाने को। तो कहते कि आप हमारे घर चलो, आपको बोरी भर के एप्पल देंगे। यहाँ पे एप्पल अगर लगा लिया ना तो कोई पूछेगा भी नहीं, सबके घर यहाँ पे एप्पल होता है। ओके थैंक यू, यही बात बतानी थी। एक गाड़ी भिड़ गई एक दूसरे में, बाय। मैं जैसे जैसे चरवाहों के गांव की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मुझे सेब के बगान और पहाड़ों की दुकान दिखती जा रही थी। मुझे डर बस इस बात का था कि इतनी सुंदरता देखकर मैं कार से उतर के भागने न लगूं। खैर, अनंतनाग से मात्र 1 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंच जाती हूं पहलगाम। तो मैं पहुंच गई हूँ पहलगाम, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पहुँच से मुझे प्रॉमिस किया गया कि आपको मिनी स्विट्जरलैंड लेके चलते हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर हो। अब यहाँ पे क्या है ना कि ऑफ सीजन में आने में फायदा है, नेगोशिएट कर सकते हैं आप। मैंने 2000 का नेगोशिएट करके 1000 में लिया है। मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ। It's not bad, it's good. I think it's a nice place. But iska restaurant kafi expensive hai. Hasta la pista. Hasta la pista hi hota hai. हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग फ्रॉम पहलगाम। बहुत सुंदर जगह है, एक इस तरफ बर्फ, इस तरफ धूप और इस तरफ पहाड़। वैसे सब जगह ही पहाड़ है, पर बर्फ के साथ धूप फ्री मिल रही है और इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। ओहो हो, मैं जहाँ पे रुकी हूँ वहाँ पे खाना बहुत महंगा है। 120 रुपए का बासमती चावल, 250 रुपए की दाल, पचेगा नहीं मुझे। तो मैं देख रही छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स मुझे मिल जाए। ओके, मिलते हैं खाने के ब्रेक पे। वैसे खाना यहाँ का टेस्टी लगा मुझे, वेज सारा। बट यही है कि एकदम सिंपल खाना नहीं मिलता, लाइक एकदम प्लेन रोटी मिल गई और दाल भी बॉइल करके दे दिया। उससे क्या होता है कि पेट ज्यादा दिन तक सही चलता है। तो अभी तो हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि शाम काफी हो गई है। अभी चल रहे हैं हम पहलगाम वैली देखने। ये पहलगाम वैली की तरफ जा रहे हैं। एंडिंग पार्ट आ रहा है बिल्कुल सनसेट वाला, और लास्ट सूरज की धूप उस पहाड़ पे पड़ रही है। घोड़े पे बैठना मेरे को पसंद नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि दे डू नॉट डिजर्व दिस। अपना वो मस्त घास चरे, खुश हो, दौड़े कूदे, लेकिन मैं ऐसे लगता है कि मैं बीइंग ह्यूमन उनको सप्रेस कर रही हूँ, ऐसे कुछ गलत काम कर रही हूँ। वेरी इनोसेंट एनिमल, वेरी क्यूट। अभी ठंड बढ़ रही है यहाँ पे, जो शाम का टाइम था श्रीनगर में इतनी ठंड नहीं थी। नवम्बर के एंड तक स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगा, तो आपको ये जितने भी पहाड़ है सब स्नो से ढके हुए दिखेंगे। और पता है, आज तक मैंने स्नोफॉल देखा नहीं है। मेरे दिमाग में है कि इस बार स्नोफॉल देख के जाऊंगी, इसलिए मैं ठंड में आई। नहीं नहीं, ओके हाय ब्रोस, वी आर ब्रदर्स सिस्टर्स। देखो भाई, आज का दिन तो हो गया समाप्त। गोप्रो की भी बैटरी खत्म हो गई और मेरी भी। तो मिलते हैं कल नए चाय के साथ। अभी मैं पुरानी चाय पी लेती हूँ एक बार।
हस्ता ला पिस्ता, कल मैं जाऊंगी मिनी स्विट्जरलैंड, ऐसा बोल के मैं चली जाऊंगी बेताब वैली, आपको पता भी नहीं चलेगा। डोंट टेक मी एज अ गाइड, आई एम नॉट योर गाइड। कल के लिए सस्पेंस बनाते हैं, मिलते हैं। अरे यार आप भी पीछे आ रहे हो क्या, साथ में चाय पियोगे क्या? बाय बाय। आपको ये मार्केट दिखा रही थी। क्या चम्मच लेगी? अरे लो भाई। अरे रुक जा यार, चाय नहीं कॉफी है। हेलो ब्रदर, हेलो 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 ब्रदर। वेल फोक्स, इट्स टाइम टू किक इट ओल्ड स्कूल। आज सुबह बारिश हुई है और मुझे पहाड़ों पे स्नो फॉल दिख रहा है। आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घूमते तो खाने में बहुत लिमिटेशंस होता है, तो वही लिमिटेशन मैं फेस कर रही हूँ। हर दिन रोटी दाल नहीं खा पा रही, तो मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिया जाए। वैसे यहाँ पे एप्पल काफी सस्ता मिलता है, तो मेरे लिए काफी अच्छा हो रहा है। तो सिंपल खाना यहाँ पे मिलना मुश्किल है, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर इट। बस चलो। और इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट में बोले कि मैंने पहलगाम को चरवाहों का गांव क्यों बोला है, तो मैंने गूगल करके पता किया है कि कश्मीरी भाषा में पहल का मतलब चरवाहा और गाम का मतलब गांव होता है। और इस गांव के आसपास ट्रैकिंग और देखने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे टुलिया लेक, आड़ू वैली, बैसरन वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी। और इतना ही नहीं, हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी पहलगाम से ही होती है। कैसे हैं सब लोग? और कुछ नहीं, बताओ ये हाय करते हैं ऊपर वाला देख रहे हैं। चलो आराम से जाना, एंजॉय करते हैं। अभी मैं मिली एक ऐसे इंसान से जो ब्राजील से हैं पर कश्मीर में 20 सालों से रह रहे हैं, और वो हिंदी में बात कर रहे थे हमसे। अभी मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ पे चलते चलते पहुँच जाया जाए, कि सारे जो प्लेसेस है बेताब वैली, चंदनवाड़ी, ये सब काफी दूर है, लेकिन यहाँ पे वॉक करने में बहुत मजा आता है। तो अगर मैं इंसानी शक्तियों को पार कर जाऊँ, मुझे लगता है कि मैं सारे वैली ट्रैक करके चले जाऊंगा। जब से हम इस रोड पे आए ना, ये बेताब वैली का रास्ता है, तब से जो पोनी चलाते हैं जो यहाँ के लोकल लाइट्स हैं, वो हमसे पूछे जा रहे हैं कि चलो आप पोनी पे चलो, घोड़े पे चलो। आई अंडरस्टैंड, ये आपका जीवन है, आपका जीवन इससे चलता है, बट द पॉइंट इज मुझे नहीं जाना। मैं उनको मना कर रही हूँ बार बार, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वो मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना, तो वो मुझे पॉइंट्स गिना रहे हैं। मैंने कहा भाई आप सुनो तो सही, मुझे नहीं पसंद आने वाले बैठना, नहीं अच्छा लगता है, ये कोई कंसिडर नहीं कर रहे। और फिर जैसे ही मना करके आगे बढ़ के फिर बोले, फिर क्या घूमने आए हो, क्या घूमोगे, ऐसे घूमते हैं, मतलब वो डांट रहे हैं कि ये क्या तरीका है, मना कैसे कर दिया। दे आर गेटिंग ऑफेंडेड, दिस इज नॉट द राइट वे, इम्पोलाइट होना इज नॉट गुड। घोड़ा तो लत्ती मारेगा, ओनली कैन गेट दिस फार। बेचारा पीसफुली अपना खाना खा रहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लाइव मैच एक्शन, इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू हो चुका है और इंडिया की बॉलिंग है पहले। याई नाच सौरभ नाच, तो ऐसे हमारे लोग जोश में हैं, जोश के साथ हम बेताब वैली की तरफ बढ़ रहे हैं। बट मुझे लगता है हम आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूर है यार। बाईसरान कह रहे हैं लीव द रोड टेक द ट्रेल्स, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर था, वैसे इज द हाइपोटेन्यूज एंड ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके थैंक यू। वेदर देखो यार, कल बेताब वैली जाऊंगी। बोलो तार, ठीक है, ओके बाय।